जिंदाबाद देवी जिंदाबाद जलंधर भैया जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची हुई है कर्णपुरा पंचायत में और आपको बताते चलें कि चुनाव का अंतिम प्रचार चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पे जो सुगांति देवी हैं कर्णपुरा पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं, उनके पति शैलेंद्र जी हैं, तमाम लोगों के साथ पूरा जनसैलाब है, युवा हैं। खास करके देखा जा रहा है कि आज जो महिला हैं ये पूरी तरीके से क्षेत्र में उतर गई हैं सुगांति देवी के पक्ष में, क्योंकि 29 सितंबर को चुनाव होना है। 27 सितंबर जो है वो अंतिम चुनाव प्रचार का दिन होगा, यानी कि कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पे, लोगों की भीड़ है, एकदम पूरी तरीके से भीड़ है। तो महिलाओं की भी भीड़ है और जो सुगांति देवी यहाँ से मुखिया भी रह चुकी हैं, ये तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। ये लोग निकले हुए हैं, आज क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। चुनाव प्रचार कल थम जाएगा क्योंकि अब 29 सितंबर को चुनाव है, 27 सितंबर को चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि है। तमाम लोगों की भीड़, पूरा जनसैलाब उमर पड़ा है। कर्णपुरा पंचायत के बांसुपाली कोठी गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर यात्रा चल रही है, यानी कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तमाम लोगों से बातचीत भी होगी कि कैसा अब जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव का अंतिम समय है। ऐसे में हम लोगों से बात भी करेंगे कि जो स्थिति है, हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है। आइए थोड़ा आगे, कैसा चल रहा है ये बताइए। अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। अब तो चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा कल जी। तो क्या इनके पक्ष में किस तरह से लोकल बंद जो वादा किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। दिखाएंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। तो हम तो काम करने वाला हम ही है, इनका मजदूर। अच्छा, हाँ सारा गाँव में हम ही काम किए हैं। आप ही काम? हाँ, हमारा साथ में जो है वो लोग काम किए हैं। तो आज देखी जा रही है की पूरे महिलाओं की भी भीड़ देखी जा रही है। हाँ, अब इसे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बस हमारे इतना ही होगा। कुछ महिला लोगों से हम बातचीत करेंगे, बताइए क्या कहना चाहेंगे सुगांति देवी के लिए। आप लोग घूम रही हैं? सुगांति देवी फिर से हमारे पंचायत में आए और भारी बहुमत से जीत कर। आप लोग लोगों के पास जा रही हैं, घर घर घूम रही हैं, तो लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का कहना यही है कि फिर से सुगांति देवी को हम लोग अपने पंचायत में लाएंगे। जी जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। सुगांति देवी बहुत अच्छा मुखिया है और सब अच्छा बहुत काम किए हैं। जी जी, बढ़िया काम किए हैं। और भी कुछ लोग मौजूद है, क्या करना चाहेंगे बताइए, कैसा चल रहा है? आप तो चुनाव प्रचार कल थम जाएगा, आज आप लोगों का दौरा चला, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मुखिया है, बहुत अच्छा काम किया है। बताइए चाचा। अरे बांसुपाली मंदिर पर से बतरौली मंदिर पर अंग्रेजन के जमाने में रोड नहीं कर रहे, तो मुखिया के लोग लगन अभी तो बढ़िया चाहिए। इसके पहले के लोग नहीं कराए? नहीं ना, अंग्रेजन के जमाने में कहते नहीं कर रहे रोड कौन मुखिया से। अच्छा। हाँ, यहाँ का रोड निकलवा पर्सल एकदम रोड निकलवा के खुलवा कर रहे। तो कैसा दौरा चल रहा है आज? तो भीड़ देखी जा रही है बहुत, चल रहा है। पुल छाप पर सब पुल छाप जीत रहा बा। हाँ, पूरा रिकॉर्ड मतों से। हाँ हाँ हाँ, जीत रहा है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा 5 साल तक शैलेंद्र जी बहुत अच्छा विकास किए हैं हर चीज में, और ये सभी जनता से अपील है कि एक बार और मौका दिया जाए शैलेंद्र जी को, कि बाकी वो की जो काम है वो पूरा करेंगे। चाचा
चलिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ है और पुरुष तो खैर हैं ही, लेकिन आज लग रहा है कि सुगांति देवी के पूरे लोग उतर चुके हैं, तमाम घरों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से वोट देना है, कि कहां पर बटन दबाना है, सब कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर EVM का जो कहा जाता है नमूना, ये यहाँ पर सब कुछ सामने है और ये लोग जा करके बता रहे हैं सुगांति देवी का, जैसे कि 5 नंबर पर EVM पर दिखाई दे रहा है कि 5 नंबर पर बटन दबाना है अगर इनको विजयी बनाना हो तो। हम बात करेंगे, सुगांति देवी भी हमारे साथ मौजूद है। सुगांति जी, आज तो अब चुनाव प्रचार का अब कल अंतिम समय है, तो ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, बस अपील बताइए कि किस तरीके से जनता से अपील, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? यही जनता से, पूरा पंचायत के जनता से कहना चाह रहे हैं कि अपना पूरा समाज, पूरा सेवा दीजिए, अपना पूरा वोट दे के हमको विजयी बनाइए, एक बार फिर से विजयी बनाइए। अगर आप, आपको फिर से जनता चुन करके विजयी बनाती है तो क्या कुछ सोची है कुछ आपने? आप एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए कुछ आप सोची हैं? हाँ, सोचे हैं कि कोई काम बाकी है वो पूरा करेंगे, शॉर्ट घाट बनाएंगे औरत के लिए। औरत बोल रही हैं, दीदी लोग बोल रही हैं कि हमको शॉर्ट घाट चाहिए, तो हम पूरा करेंगे। और कुछ संडास बाकी है वो भी पूरा करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? अब तो आप लोगों का दौरा अंतिम ही माना जाएगा, कल तो लास्ट हो जाएगा, क्या कहेंगे बताइए? कैसा चल रहा है लोगों के पास? आप लोग घर घर में जा रही हैं, बता रही हैं क्या लोग? सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, सुगंती देवी को ही जिताएंगे बोल रहे हैं। चलिए शैलेंद्र जी यहाँ पे मौजूद है। शैलेंद्र जी आप बताइए, अब तो अंतिम चुनाव का सब कुछ चल रहा है, कल चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, अब महज अब 3 रोज बच चुके हैं चुनाव में, क्या स्थिति है? चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। स्थिति बहुत बढ़िया है, पूरा जन समर्थन है मेरे साथ, जहाँ जा रहे हैं सब लोग बोलते हैं फिर से आप ही को जिताएंगे, आप बहुत काम किए हैं, जन समर्थन मिल रहा है। आज कहाँ कहाँ आपका दौरा चला? आज हम लोग जनसंपर्क के मतलब कार्यक्रम में आज हम लोग बांसोपाली कोठी 56 टोला में दौरा चल रहा है। 56 टोला में जी। तो अब चुनाव के दिन के लिए जो प्रशासनिक जो तैयारियां होती है उससे भी पूरी तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं जी, या कुछ डिमांड करना चाहेंगे अपने पंचायत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए? कल ही हमारा BDO साहब से बात हुआ था, जहाँ जहाँ समस्या है हम उनसे बात कर लिए हैं, वहाँ वो पूरी कर देंगे BDO साहब। और भी अब जीत के दावे अब बहुत लोग भी कर रहे हैं कि मुखिया जी ने ये नहीं कराया तो इस बार हम लोगों की जीत होगी, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए उसके लिए हमने एक बुक जारी की है, कल भी दिखाए थे कि हम क्या क्या काम किए हैं, इससे तो छुपने वाला है नहीं, तो हम सब लोगों के पास पहुंचा रहे हैं बुक को, सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कितना विकास किए हैं। आप काम किए हैं उसका लेखा जोखा जनता के पास? जी 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 जी, ये इस बुक के माध्यम से लेखा जोखा सब है इसमें कि क्या काम किए हैं और जीतेंगे तो क्या करेंगे। जी देखिए ये बुक इन्होंने जारी किया है, सुगांति देवी का ये बुकलेट है, और आपको बता दें कि ये बुकलेट के माध्यम से ये लोग इसमें सब कुछ दिया गया है, एक स्लोगन भी बहुत अच्छा दिया गया, आप देख सकते हैं कि जाति धर्म का भेद नहीं, मानवता हमारा धर्म हमारा है, झूठा वादा कोई नहीं, विकास हमारा नारा है, जात नहीं जमात चाहिए, शांति और न्याय चाहिए, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, ये सुगांति देवी जो है उनका ये स्लोगन है। और ये बुकलेट है, ये बुकलेट में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें जो इस क्षेत्र में चौमुखी विकास किया गया है, ये तमाम चीज़ों का इसमें ब्यौरा दे करके जनता के को सौंप दिया गया है। अब जनता को फैसला लेना होगा कि हमारा मुखिया इस पंचायत का कौन होगा। अंत में ये बताइए कि क्या कुछ अपील करेंगे, अब अंतिम चुनाव का समय चल रहा है प्रचार का, अपील क्या करेंगे जनता से, इस क्षेत्र की जनता से? हम अपने जनता से, मालिक से यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमसे भूल हो गई होगी, गलती हो गई होगी, उसको क्षमा करके अब फिर से हमको पूर्ण बहुमत से जिताए, ताकि हम अधूरा काम को पूरा कर सकें। कितने नंबर पर आपका क्या है ये थोड़ा सा डिटेल बता दें? हमारा है 5 नंबर पे, पुल छाप पे बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाए। चलिए तो ये शैलेंद्र जी थे, लगातार दौरा जारी, अब देखना होगा कर पूरा पंचायत की जनता किस तरीके से सुगांति देवी और शैलेंद्र जी को आशीर्वाद देती है, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, कर पूरा पंचायत सिवान।